नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का संपादकीय। मैं हूं ज्ञानेश। रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली वो कई लिहाज से चिंताजनक और निंदनीय है। दो दिनों के अंतराल में देश के 6 राज्यों के अलग अलग शहरों में 2 संप्रदायों के बीच पथराव, मारपीट, आगजनी जैसी घटनाएं हुई। महाराष्ट्र के मालाड, जलगांव और संभाजीनगर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और डालखोला, बिहार के सासाराम और नालंदा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा के सोनीपत, गुजरात के वडोदरा और कर्नाटक के हासन में हुई इन घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन, स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों के अलग अलग स्पष्टीकरण भी आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सब जिस एक तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं वो ये है कि इन्हें महज स्थानीय घटनाओं के रूप में नहीं लिया जा सकता, ना ही किसी संयोग का परिणाम माना जा सकता है। ध्यान रहे कि पर्व या त्योहार के मौके पर देश के कुछ हिस्सों में तनाव बन जाना या फिर छिटपुट हिंसा की खबरें आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन घटनाएं हमेशा अपवाद के रूप में रह रही हैं। आमतौर पर हमारे सभी पर्व त्योहार शांतिपूर्वक और मिलजुल कर ही मनाए जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से इस स्थिति में जबरदस्त बदलाव देखने में आ रहा है। पिछले साल रामनवमी 10 अप्रैल को पड़ी थी, तब भी 6 राज्यों गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा में हिंसा, पथराव और दर्जनों घटनाएं हुई थी। यही नहीं, इसके कुछ दिन बाद ही हनुमान जयंती के मौके पर 10 राज्यों में हिंसा की खबरें कई दिनों तक आती रहीं। जाहिर है कि पर्व त्योहार पर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव अपने देश में नया नॉर्मल बनता जा रहा है। एक स्तर पर निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था की भी समस्या है। पुलिस और प्रशासन की नाकामी इसका एक अहम पक्ष है, लेकिन बात उतने तक सीमित नहीं है। समस्या का ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारे समाज की समरसता में मिलजुल कर प्यार से रहने की भावना में निरंतर कमी आ रही है। ये बात हमेशा हिंसा के रूप में प्रकट नहीं होती, अक्सर ऐसी प्रवृत्ति के रूप में दिखती है जो शांति भंग ना करते हुए भी समाज के अलग अलग हिस्सों में दूरी बढ़ाने का काम करती है। उदाहरण के लिए, नवरात्रि समारोह में अन्य समुदाय के युवाओं को न आने देने की घोषणाओं को लिया जा सकता है। हेट स्पीच इसका एक और उदाहरण है। ऐसी प्रवृत्तियां तत्काल भले ही बड़ी अप्रिय घटना का कारण न बने, दोनों तरफ से ऐसी दुर्भावना को जन्म देती हो जो अन्य मौकों पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देना आसान बना देती है। कानून व्यवस्था की एजेंसियों को ज्यादातर चौकस रहते हुए समाज में नफरत बढ़ा रही प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मुझे यानी ज्ञानेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।